नाचन विधानसभा क्षेत्र के महादेव पंचायत के लोगों ने एक नई पहल शुरू की है। पंचायत ने आम जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए एक हाइजेनिक मुक्त धाम का निर्माण करवाया है, जिसमें कम खर्च के साथ बहुत थोड़ी सी ही लकड़ी से शव का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। तो एक तरफ लोगों के बैठने की भी उचित व्यवस्था की गई है। मुक्ति धाम के साथ बने मंदिर में पूजा अर्चना के साथ महाकाल की मूर्ति भी स्थापित की गई है। मुक्ति धाम के प्रधान वैद्य दुनीचंद शर्मा ने बताया कि मुक्ति धाम में विद्वान पंडितों द्वारा महाकाल शिव की मूर्ति के लिए शिवलिंग की स्थापना कर पीपल का वृक्ष लगाया गया है। उन्होंने बताया कि आज से पहले पंचायत की घागल खड्ड में शव जलाए जाते थे, लेकिन वहां पर गंदगी का आलम बहुत ज्यादा था, जिससे कपड़ों और जूतों की हालत इतनी दयनीय हो जाती थी कि जिसकी वजह से कपड़े और जूते को वहां पर ही फेंकना पड़ता था। वहीं उसके बाद पंचायत के लोगों के साथ मिलकर ये संकल्प लिया गया कि यहां पर एक हाइजेनिक मुक्ति धाम बनाया जाए। उन्होंने बताया कि यहां पर बहुत अच्छी तरीके की व्यवस्था की गई है और यहां पर शव जलाने का कोई भी शुल्क वसूला नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि मुक्ति धाम को अब सरकार का सहयोग भी मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि मुक्ति धाम में जो भी बचे हुए विकास कार्य हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। इस मौके पर मुक्ति धाम कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। यहाँ पर मुक्ति धाम की स्थापना की हमने शमशान घाट के। शमशान घाट का नाम हमने मुक्ति धाम रखा हुआ है। बड़े सुंदर ढंग से बहुत सारे विद्वानों का इसमें सहयोग रहा है और यहाँ पर भगवान शिव की हम प्रतिष्ठा विद्वान पंडितों द्वारा प्रतिष्ठा कर रहे हैं और शिवलिंग बट वृक्ष, पीपल वृक्ष और केले के वृक्ष और बहुत सारे वृक्ष जो शमशान घाट में होने चाहिए उनकी सबकी यहाँ पर हमने उनको लगाया है और आगे भी बहुत सारे काम है इसके करने के हैं, वो करेंगे हम सारे काम। ऐसा था भी जैसे सब जलाए जाते तो हम बाद में सबको जलाने के लिए बाद में रहते थे। हमारे मित्र हैं चेतराम चौधरी जी हैं और हम पीछे रहते थे तो इतनी गंदगी थी यहाँ पर। जब हम यहाँ जाते तो गंदगी हमारे कपड़ों में लग जाती और नहर में फेंकने पड़ते कपड़े या बूट वो भी बाहर फेंकने पड़ते। तो हमने संकल्प लिया इसका, 3-4-5-7 आदमी हम इकट्ठे हुए और हमने संकल्प लिया। सुरेश वर्मा था, कृष्ण चंद्र थे और बहुत सारे गणमान्य आदमी थे। संकल्प लिया कि हम इस मुक्ति धाम को बनाएंगे और शुद्ध और साफ सुंदर बनाएंगे और कोशिश जारी है और इतना सुंदर व्यवस्था हुई है और हो रही है, सरकार द्वारा भी हो रही है, आम आदमी द्वारा बहुत ज्यादा। हाँ जी, सरकार का सहयोग रहा, डीसी माध्यम से हमको पैसे आए बहुत सारे। सर इसमें जो ये मंदिर बने सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट बना है, ये हमारे आम आदमियों का योगदान रहा है। इसमें बिल्कुल मुफ्त है, कुछ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इसके लिए, कुछ भी नहीं है।